नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजाना हम 9 बजे एक जिले के बारे में डिस्कशन करते हैं और 26 अप्रैल से हमारी निरंतर ये क्लासें चल रही हैं, जिनमें हम उदयपुर संभाग पूरा कर चुके और कल हम अजमेर संभाग का पहला जिला आपका भीलवाड़ा बता चुके। आज दूसरा जिला हम टोंक बताने जा रहे हैं। दूसरा जिला जो बताने जा रहे हैं वो टोंक बताने जा रहे हैं। तो इससे जो जिला दर्शन की क्लास है इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी चीजें, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब चीजें आपकी आ रही हैं। तो अगर अपन सारी चीजों को मिला दें तो पूरा राजस्थान इसमें कवर हो जाता है। तो आप इससे जुड़े रहिए, 26 अप्रैल से लगातार ये चल रही है। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये बढ़े तो हमारा भी मनोबल बना रहे और हम भी आगे आपके लिए मेहनत करते रहे। नहीं तो मनोबल सामान्यतः क्या हो जाता, टूट जाता। तो दोस्तों, जिला दर्शन आज का है वो टोंक है। कौन सा? टोंक। लास्ट में एक बार आपसे बात करेंगे, पहले बात नहीं करेंगे। और एक बार मैं टोंक की पोजिशन आपको दिखा देता हूं। पहले मैप पे आप टोंक को देख लीजिएगा। ये टोंक जिला है, आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए टोंक बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये टोंक जिला है, ये रहा। टोंक जिले के बारे में आप दिखाई दे रहा है। अब टोंक के जस्ट ऊपर उत्तर में जयपुर है। टोंक के जस्ट ऊपर उत्तर में क्या है? जयपुर। उत्तर में जयपुर है, ठीक है। और उत्तर के बाद सीधा दक्षिण में बोले तो बूंदी है, बूंदी, ठीक है। इधर आपका पश्चिम में अजमेर है। ये थोड़ा सा टच भीलवाड़ा भी हो रहा है यहां पे। भीलवाड़ा यानी दक्षिण पश्चिम में भीलवाड़ा भी क्या हो रहा है? टच हो रहा है। भीलवाड़ा भी टच हो रहा है, ठीक है। पूर्व में आए तो ये स्वाई माधोपुर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? स्वाई माधोपुर। स्वाई माधोपुर पूर्व में आ रहा है। ये आपका पूर्व में स्वाई माधोपुर है, ये स्वाई माधोपुर यहां तक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज है। तो देखिएगा, उत्तर में इसके जयपुर है, दक्षिण में इसके बूंदी है, दक्षिण पश्चिम में इसके भीलवाड़ा है, पश्चिम में आपका अजमेर है और इधर पूर्व में आपका स्वाई माधोपुर है। यह आपकी टोंक जिले की पोजीशन है। अब हम टोंक जिले के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि भाई इसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो टोंक जिले के बारे में आज का जो टॉपिक है वो आ जाइए। तो टोंक के बारे में हम बात करें, पहले वही डेली रूटीन में हम करते हैं वैसे ही। पहला भौगोलिक प्रदर्श। कौन सा हो गया? भौगोलिक प्रदर्श। देखिएगा, सबसे पहले भौगोलिक प्रदर्श है वो टोंक जिले के बारे में। टोंक का भौगोलिक प्रदर्श आपको बता रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार मतलब क्या पोजीशन है, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 12। अब मेरी बात सुन लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 12, अभी बता रहा हूं, नेशनल हाईवे नंबर 12। 12 जयपुर से शुरू होता है, जयपुर के बाद में टोंक आता है, टोंक के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, कोटा के बाद आपका मतलब कोटा से होते हुए बाद में एमपी, मध्य प्रदेश, जबलपुर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, ये बनास नदी पर स्थित जिला है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर कौन सा शहर है? तो टोंक। कौन सा? टोंक। ये आपकी पोजीशन बता दी। ये राज्य के उत्तर पूर्वी भाग, मतलब राजस्थान है उसका उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कौन से में है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, बिल्कुल क्लियर है, उत्तर पूर्व भाग। अब आइए, इसके उत्तर में आपका जयपुर पड़ता है। उत्तर में क्या पड़ता है? जयपुर। अभी दक्षिण में अभी भी बताया था बूंदी, और दक्षिण पश्चिम में आपका भीलवाड़ा, और पश्चिम में क्या पड़ रहा है? अजमेर। और पूर्व में क्या पड़ रहा है? स्वाई माधोपुर। मतलब आप देख रहे हैं भी जाता है बिल्कुल। उत्तर में जयपुर है, दक्षिण में आपका कौन सा है? बूंदी। दक्षिण में बूंदी है, लेकिन मैंने कहा दक्षिण पश्चिम में थोड़ा सा भीलवाड़ा भी पड़ता है, और पश्चिम में अजमेर है जो बता दिया आपको, और पूर्व में स्वाई माधोपुर है। ये 5 जिले इसके टच है। उत्तर में जयपुर अभी भी बताया, तो उत्तर में जयपुर आ गया, सारी बात आ गई, क्लियर है भाई। उत्तर में कौन सा है? अभी भी बताया था, उत्तर में जयपुर है, दक्षिण में बूंदी है, दक्षिण पश्चिम में आपका भीलवाड़ा है, पश्चिम में
अजमेर है और पूर्व में स्वयंमाधोपुर है, ये हमारी बात हुई थी। तो अभी मैप के माध्यम से बताया, कुल क्षेत्रफल इसका 7194 वर्ग किलोमीटर है, 7194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बोलो क्लियर है क्या? 7194 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव लोगो इसका है हंस, वन्य जीव लोगो इसका कौन सा है? हंस। और वाहन का पंजीकरण नंबर है RJ26। तो बोलो दोस्तों, वापस एक बार बोल देते हैं, यह जिला राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है यह जिला। दूसरी बात है, यह नेशनल हाईवे नंबर 12 पर स्थित है, बनास नदी पर स्थित है, इसके उत्तर में जयपुर पड़ता है, तो दक्षिण में बूंदी है, दक्षिण में कौन सा हो गया? बूंदी हो गया, और इधर दक्षिण पूर्व में भीलवाड़ा है, पश्चिम में अजमेर है, तो पूर्व में स्वयंमाधोपुर है। क्षेत्रफल इसका 7194 वर्ग किलोमीटर है। इसका वन्य जीव का जो लोगो है वो आपका हंस है, और वाहन का पंजीकरण नंबर है वो RJ26 है। बिल्कुल क्लियर है, वाहन का पंजीकरण नंबर कौन सा है? 26, RJ26। अब आइए, यहां का अपवा तंत्र, नदियां वगैरह देख सकते हैं, नदियां यहां पर बहने वाली मुख्य नदी है वो बनास है। अब बनास के बारे में हमने बात करी थी, ध्यान दीजिएगा, बनास का उद्गम स्थल खमनोर राजसमंद में है, राजसमंद में बहते हुए वो चित्तौड़ में भी बहती है, बाद में भीलवाड़ा में आती है, बाद में अजमेर में आती है, बाद में टोंक में आती है, बाद में स्वयंमाधोपुर में जाकर के चंबल में मिल जाती है। तो ये, और सुन लो, यहीं पर बनास, और यहां पर चाखन, ढील, मासी, छोटी छोटी नदियां हैं। और नदियां कौन सी बहती है? चाखन बोल देते हैं, ढील बोल देते हैं, मासी, ढील और मासी, चाखन, ढील और मासी, ठीक है, ये नदियां। यहां का जो बांध वगैरह है वो टोड़ी सागर है, बिशलपुर बांध है, एक मोती सागर बांध है, टोड़ी सागर, बिशलपुर और कौन सा, मोती सागर बांध है। यहां की जो मिट्टी है वो लाल पीली कच्छारी मिट्टी है, मतलब ध्यान दीजिए कैसे है, सुनना, अब मैं आपको बता देता हूं। जो बनास नदी का बेल्ट है ना, बनास का जो बेल्ट है उसमें लाल पीली कच्छारी मिट्टी है। देखिए कैसे पीली, तो लाल, ये पहाड़ी एरिया, बनास नदी का उद्गम स्थल आपका कौन सा हो गया? खमनोर हो गया, वो हल्दी घाटी वाला एरिया है, तो वहां पे मिट्टी होगी पीली। ये पहाड़ी एरिया से गुजरती है तो लाल मिट्टी भी है इसमें, तो पीली, लाल पीली कच्छारी मृदा है यहाँ पे, और पीली भूरी मृदा भी है, पीली भूरी मृदा भी है। जो बनास का बेल्ट है वहां पर लाल पीली कच्छारी मिट्टी मिलती है, कच्छारी मिट्टी, जहां पे सबसे ज्यादा बजरी होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? बजरी, सबसे ज्यादा बजरी होती है, समझ गए क्या? तो ये मैंने बोला, मिट्टी के बारे में भी बता दिया। आगे देखिए, खनिज के बारे में बात करें तो सुन लो, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर में है, खमनोर हल्दी घाटी वाला एरिया होता है, इसलिए मिट्टी का रंग वहां पे कौन सा हो गया? पीली। और ये पहाड़ी एरियो से बहती है तो इसलिए बेसिकली आपका लाल भी है, तो लाल पीली मिट्टी कच्छारी, कच्छारी होगी नदियों के साथ, नदी के साथ जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन जलोढ़ जब सूख जाती है तो क्या बन जाती है? कच्छारी, कच्छारी में बजरी, और बजरी सबसे ज्यादा कौन सी में? बनास में है। बिल्कुल क्लियर है। खनिज में तांबड़ा बहुमूल्य पत्थर है, जो राजमहल टोंक में मिलता है, तांबड़ा बहुमूल्य पत्थर है, नहीं क्या? हीरा जवाहरात जो होता है, तो हीरा की तरह ही आपका कौन सा? तांबड़ा है, बहुमूल्य पत्थर, जो राजमहल टोंक में मिलता है, राजमहल टोंक। पट्टी जो अपने मकानों में आजकल तो स्लेब वगैरह डालने लग गए, पहले पट्टी थी, तो पट्टी आपकी कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक। वन उत्पाद में खस मिलता है, खस जिससे इत्र बनता है। क्या बनता है? इत्र। और सुनो, खस ना, खस जो है वो एक घास है जो भरतपुर के घाना पक्षी बैरने में, स्वयंमाधोपुर में, टोंक में मिलती है, और खस से आपका इत्र वगैरह बनता है, तो इत्र उद्योग भी कहां का फेमस है? तो आपका टोंक का। कृषि उत्पाद में खरबूजा और तरबूज, खरबूजा और तरबूज कौन से क्षेत्र में है? बनास में। कौन से में? बनास में। जलाशय और तालाब, जलाशय और तालाब देखिएगा, मैंने कल भी बताया था, सर्वाधिक सिंचाई हमारी किससे होती है? कुएं और नलकूप से। कुएं और नलकूप सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर। दूसरा नंबर सिंचाई आपकी नहरों से, नहरें सबसे ज्यादा कहां पर है? बोलो, नहरें सबसे ज्यादा कहां पर है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, और बाद में तीसरा नंबर तालाब होते हैं, तो तालाब सबसे ज्यादा कहां पर है? भीलवाड़ा। सेकंड नंबर चित्तौड़, और थर्ड नंबर टोंक आता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कौन सा? टोंक। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कौन सा? टोंक। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक। तो देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी चीज आ गई, मैंने वापस बुलाया।
तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक। कृषि उत्पाद में यहाँ पे खरबूजा और तरबूज मिलते हैं बनास के बेल्ट में, बिल्कुल क्लियर है। और इसी बनास के बेल्ट में बजरी भी मिलती है, ठीक है। और वन उत्पाद में खस, और यहीं से जुड़ा हुआ, खस से जुड़ा हुआ कौन सा इत्र उद्योग भी यहीं का फेमस है। खनिज की दृष्टि से बोले तो तांबड़ा बहुमूल्य पत्थर होता है जो राजमहल टोंक में मिलता है। इसके अलावा पट्टी, पट्टी में कहां पर है? टोंक। यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल पीली और पीली भूरी मृदा है, तो यहां पर है। और बांध आपका मोती सागर बांध, और साथ में कौन सा टोडी सागर और बिशलपुर। और नदी में बोले तो मेन नदी तो बनास है, बाकी चाखन, ढील और माशी है। तो ये टोटल आपकी राजस्थान किसकी होगी बोलो? टोंक की पोजिशन होगी। अब हम आगे चल रहे हैं, तो ये नदियां एक बार देख लीजिए, छोटी मोटी नदियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ढील नदी, कौन सी नदी? ढील। ये बोली गांव, बोली, बोली सवाईमाधोपुर में पड़ता है, तो बोली गांव से निकलती है और जयपुर और टोंक और सवाईमाधोपुर, जयपुर टोंक और सवाईमाधोपुर में बहते हुए बनास में मिल जाती है। यानी छोटी नदियां हैं बनास। तो यहां की एक नदी है ढील, कौन सी? ढील। ढील किसकी सहायक नदी है बोलो? ढील किसकी सहायक नदी है? तो बोलो बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास। ये कहां कहां बोलो? तो कहां कहां? तो जयपुर टोंक और सवाईमाधोपुर में बहती है और बोली गांव में इसका उद्गम स्थल है। माशी एक नदी है जो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, ये अजमेर और टोंक में बहती है और टोंक में बनास में मिल जाती है, ये भी बनास की सहायक नदी है, ठीक है। अब स्थानीय नालों से चाकन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चाकन, मतलब स्थानीय नालों से बनती है, छोटी मोटी नदियां हैं और ये सवाईमाधोपुर और टोंक में बहती है। सवाईमाधोपुर और कौन से में बहती है? टोंक। तो दोस्तों कई बार है ना आपको ये सहायक नदियों में काम आते, ढील किसकी सहायक नदी है? बनास की। ढील किसकी सहायक नदी है? बनास की। और ढील कहां कहां आती है? तो बोलो जयपुर टोंक और कौन सा? सवाईमाधोपुर। मासी किसकी सहायक नदी है? बनास की। ये अजमेर और कहां पर? टोंक में बहती है, बिल्कुल क्लियर है। और चाकर नदी वो स्थानीय नालों से निर्माण होता है, ये भी टोंक और सवाईमाधोपुर में बहती है, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज्योग्राफिकल नदियां होंगी। टोडी सागर बांध है, टोडी सागर बांध मालपुरा टोंक में है। टोडी सागर बांध कहां पर है? मालपुरा टोंक में। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1887 में इसका निर्माण हुआ था, ब्रिटिश काल में हो गया था। इस बांध की एक विशेषता है, वो ये विशेषता है कि इसके सभी मोरियां खोलने पर या दरवाजे खोलने पर पूरा बांध एक साथ खाली हो जाता है। टोडी सागर, टोडी सागर बांध बोलो कहां पर है? टोडी सागर बांध मालपुरा टोंक में है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान 1887 में इसका निर्माण हुआ और इसकी विशेषता कि सब मोरी अगर एक साथ खोल देते हैं तो पूरा बांध एक साथ ही खाली हो जाता है, टोडी सागर। अब जो मेन बांध है वो है बिशलपुर, कौन सा? बिशलपुर। यह टोडराय सिंह टोंक में है, टोडराय सिंह टोंक में। नदी बनास है, नदी कौन सी है? बनास। राजस्थान का तीसरा बड़ा बांध है बोलो? पहला बड़ा बांध बोलो राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जो बेसिकली चंबल नदी पर है। दूसरा माही बांध, कौन सा? माही बांध। तो माही बांध बांसवाड़ा में है, ठीक है, दो हो गए। तीसरा बांध आपका पेयजल बिशलपुर बांध, कौन सा? बिशलपुर बांध, बिल्कुल क्लियर है क्या? तो बिशलपुर बांध है, ठीक है। और यह तीसरा बड़ा बांध और सबसे बड़ी जल परियोजना है। जयपुर को, अजमेर को, नागौर को तो पेयजल सुविधा मिल रही है इसमें, और टोंक और बूंदी को साथ में सिंचाई की सुविधा भी मिल रही है, ठीक है। और एशियन विकास बैंक इसमें हेल्प कर रहा है, एडीबी। कौन कर रहा है? एडीबी इसमें हेल्प कर रहा है। और यहीं पर किनारे पर गोकर्णेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, कौन सा? गोकर्णेश्वर मंदिर। अब गोकर्णेश्वर मंदिर है वो रावण द्वारा तपस्या का है, और यहां पे एक अभी इसी पे एक रंगीन मछली का एक्वेरियम भी बना रहे हैं, रंगीन मछली एक्वेरियम। चलो, रंगीन मछली एक्वेरियम भी बन रहा है, लेकिन रंगीन मछली एक्वेरियम भी बन रहा है। तो ये बिशलपुर बांध है, मैं वापस बोल रहा हूं, टोडराय सिंह टोंक में है, टोडराय सिंह टोंक में है, बिल्कुल क्लियर है। नदी है, नदी कौन सी है? बनास है। राजस्थान का तीसरा बड़ा बांध है, पहला बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, दूसरा माई बजाज सागर बांध है, तीसरा ये है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, क्योंकि पानी की आपूर्ति जयपुर, अजमेर और नागौर आदि को पानी, पीने का पानी देती है, और टोंक बूंदी को सिंचाई में भी काम आता है। और एशियन विकास बैंक सहयोग कर रहा है। गोकर्णेश्वर मंदिर यहां पर है जो रावण ने वहां पर तपस्या की थी, और यहां पर रंगीन मछली
एक्वेरियम भी बना है, बिल्कुल क्लियर है क्या? ये टोटल आपका बिशलपुर बांध के बारे में आता है, ठीक है, आ गया, पूरा हो गया बिशलपुर बांध। अब आइए, अब देखिए आर्थिक परिदृश्य में आप आते हैं तो मानवीय संसाधन आएंगे सबसे पहले, मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन में वही राजस्थान के साथ जोड़ते हुए चलते रहो जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। राजस्थान में जोड़ते हुए चलोगे तो देखिएगा, राजस्थान में जोड़ते हुए चला, देखिए लिंगानुपात 952 है यहां का, 952 लिंगानुपात है, तो राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है। अब रोजाना बोलोगे तो याद हो जाएगा, 928 राजस्थान का लिंग अनुपात है। 0 से 6 का लिंग अनुपात यहां का 892 है, तो राजस्थान का 888 है, 888। जनसंख्या का घनत्व है राजस्थान का 200 है, तो इसका 2 कम 198 है, 198। साक्षरता दर इसकी 61.6 है, तो राजस्थान की साक्षरता 66.1 है। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं मानवीय संसाधनों में, मानवीय संसाधनों में, बिल्कुल क्लियर है क्या? तो लिंग अनुपात वापस बोलूंगा, लिंग अनुपात 952, तो राजस्थान का कितना है 928, 0 से 6 का लिंग अनुपात राजस्थान का 888, तो इसका 892, और जनसंख्या घनत्व 200 राजस्थान का, तो इसका 2 कम 198, और साक्षरता दर 61.6 तो राजस्थान की 66.1, बिल्कुल क्लियर है। यह सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला शहर है टोंक, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला क्या है शहर, आपको पता है? वैसे ओवरऑल जिलों के हिसाब से बोले तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिले के हिसाब से बोले तो कौन सी है? जैसलमेर। अच्छा, एक भाई ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, वो ये कह रहा कि भाई वन वाला हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वन बांसवाड़ा में ज्यादा है या वन आपका कहां पर उदयपुर में ज्यादा है। मैंने कहा ओवरऑल तो उदयपुर में, और डेंसिटी के हिसाब से कहां पर है बांसवाड़ा में, ओवरऑल तो वन सबसे ज्यादा कहां पर है उदयपुर में, लेकिन डेंसिटी होती है घनत्व की दृष्टि से आपका है वो कौन सा है बांसवाड़ा। तो उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं ओवरऑल मुस्लिम तो आपके कहां पर है, ओवरऑल तो जैसलमेर में है, कहां पर है जैसलमेर, लेकिन शहर शहर में मुस्लिम कहां पर है टोंक में, ठीक है। अब आपको एक और चीज बात आ जाएगी, सुन लो, मुस्लिम मुस्लिम धर्म में साक्षरता क्या है, कम है, तो सबसे कम साक्षरता वाला शहर भी कौन सा है, टोंक है। सबसे कम साक्षरता वाला शहर भी कौन सा हो गया, टोंक हो गया, कौन सा हो गया, टोंक हो गया, सबसे कम साक्षरता वाला शहर, लॉजिक लगा लो, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से शहर में है, तो जैसलमेर में टोंक में है, और मुस्लिम धर्म में आपकी साक्षरता क्या है, कम, तो सबसे कम साक्षरता वाला धर्म शहर भी कौन सा हो गया, टोंक, बोलो क्लियर है क्या। ये टोटल आपकी बात कर दी। उद्योग और अन्य के बारे में बात करें तो यहां पे कौन सा उद्योग है, देखिएगा मयूरबीड़ी है, यहां पे मयूरबीड़ी, मयूरबीड़ी कहां पर है, टोंक, आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की कंपनी है मयूरबीड़ी, मयूरबीड़ी कहां पर है, टोंक में। चमड़ा रंगाई संयंत्र, मतलब राजस्थान में चमड़े की रंगाई करने वाला एकमात्र संयंत्र आपका टोंक में ही है, चमड़े की रंगाई करने वाला एकमात्र संयंत्र कौन सा है, टोंक में ही है। और नमदे, भेड़ों की ऊन से बने हुए नमदे यहां के फेमस है, नमदे टोंक के, नमदे कहां के फेमस है, टोंक के, बिल्कुल क्लियर है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है, अविकानगर टोंक, और यहां की मालपुरी भेड़ फेमस है, मालपुरी। और पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी है, क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है, अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में, बिल्कुल क्लियर है। तो ये दोस्तों मयूरबीड़ी टोंक, मयूरबीड़ी क्या है, टोंक, आरएफसी की कंपनी है, चमड़ा रंगाई का एकमात्र संयंत्र राजस्थान में कहां पर है, टोंक में, नमदे जो भेड़ की ऊन से बनते हैं कहां पर है, टोंक में, और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक, समझ गए, और मालपुरी भेड़ भी यहां की फेमस है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अविकानगर टोंक, बिल्कुल क्लियर है। ये दोस्तों आप उद्योग और अन्य में आ जाते हैं। अब आप आइए, अब अपन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं, तो आपको बताए शुरू से आपको लेता हूं कि कौन सा तो पुरातात्विक स्थल है यहां का जो बताए, तो रेंड टोंक है, रेंड टोंक, रेंड टोंक, ये कह रहा है कि प्राचीन नगर है यहां का, अनेक कालों के सिक्के मिले हैं, मौर्य काल के, आपका कौन सा सुंग वंश के, कई कालों के सिक्के मिले हैं, तो प्राचीन नगर जहां पर अनेक काल के सिक्के मिले हैं और भंडार मिले हैं, इसलिए इसको राजस्थान की टाटा नगरी भी बोलते हैं। राजस्थान की टाटा नगरी किसको बोलते हैं, रेंड टोंक को, रेंड टोंक को, रेंड टोंक को क्यों बोलते हैं कि यहां पे विभिन्न
टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं, इसलिए इसमें सिक्के मिलने के कारण इसको राजस्थान की टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ। आमेर के शासक थे मान सिंह जी, उन्होंने टारी और टोंकरा, टारी और टोंकरा नामक स्थान था, टारी और कौन सा टोंकरा नामक स्थानों पर अधिकार कर लिया था, टारी और कौन सा टोंकरा, और उसकी देखरेख के लिए भोला नामक ब्राह्मण को मतलब सौंप दिया था। मतलब मान सिंह जी ने भोला नामक ब्राह्मण को इसके क्षेत्र टारी और टोंकरा सौंप दिया, और फिर वो 12 गांवों के समूह को उस भोला ने नाम कौन सा दिया, टोंक दिया। कौन सा? 12 गांवों का समूह था तो ये टोंक नाम दिया। और अब आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअली जयपुर रियासत का ही पार्ट था, जयपुर रियासत का ही क्या था, पार्ट था टारी और टोंकरा, और टारी और टोंकरा किसको सौंप दिया, भोला को, और भोला ने इसको नाम क्या दे दिया बोलो, तो भोला ने इसको 12 गांवों के समूह को नाम दे दिया टोंक। बाद में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने टोंक है ना माधोराव होलकर को दे दिया। माधोराव होलकर कौन हो गए, सिंधिया, माधोराव होलकर जो आपके कौन से थे बताइए, तो माधोराव होलकर मराठा हो गए, तो मराठाओं के अंडर में टोंक रहा। ठीक है, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि हुई 1817-18 में, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि, उसके तहत टोंक राज्य नवाब अमीर खां को दे दिया गया। किसको दे दिया, टोंक राज्य नवाब अमीर खां को दे दिया। अतः यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत बन गई। क्या बन गई, मुस्लिम रियासत, इसलिए इसको नवाबों की नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवाबों की नगरी। तो बोलो ये मुस्लिमों के हाथ में कौन सी संधि के तहत आ गया, राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है, तो हमारी क्रांति 1857 की होती है, तो उसमें आपको बताया पहली जो क्रांति का स्थल था नसीराबाद। ठीक है, दूसरा क्रांति का स्थल था नीमच, और नीमच के बाद कौन सा था, देवली टोंक। तो नीमच के सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में देवली छावनी में विद्रोह किया था। देवली कहां पर है, टोंक में। और तात्या टोपे ने 6 महीने तक यहां के शासन पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे टोंक पर 6 महीने तक क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो 1857 की क्रांति का भी रोल है। तब आइए राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया में, यह राजस्थान संघ का भाग था। किसका भाग था, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, बाद में किशनगढ़ हो गया, और एक कौन सा हो गया, टोंक और शाहपुरा, ये आपकी 9 रियासतों का समूह था राजस्थान संघ, उसमें इनका विलय हुआ। और खास बात देखिए, देश का लो पुरुष कौन कहलाता है, देश का लो पुरुष कौन कहलाता है, सरदार पटेल। तो राजस्थान का लो पुरुष दामोदर लाल व्यास। ये दामोदर लाल व्यास ना, वो मालपुरा टोंक के थे, मालपुरा कहते टोंक के। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा इसको जोड़ दिया। मैंने फिर बोला है पुरातात्विक स्थल में यहाँ पे कौन आता है, रेंड आता है। कौन आता है, रेंड कहां पर है, टोंक। यहाँ पे सिक्के मिलने के कारण यहाँ को टाटा नगरी बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है कि आमेर का शासक मान सिंह ने भोला नामक ब्राह्मण को ये गांव छोप दिए थे, टारी और टोकरा, उन 12 गांवों के समूह से क्या बना था, टोंक बना था। बाद में महाराज माधो सिंह ने माधोराव होलकर को टोंक सौंप दिया। और बाद में मैंने कहा 1817-18 की राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि जो हुई, उसके तहत नवाब अमीर खां को यह सौंप दिया। किसको सौंप दिया, अमीर खां को। अतः राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत कौन सी होगी, टोंक होगी। कौन सी होगी, टोंक। और इसलिए इसको नवाबों का शहर भी बोलते हैं, या नवाबों की नगरी भी बोलते हैं। टोंक में कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ, देवली छावनी में। कौन सा, देवली छावनी में विद्रोह हुआ टोंक में। और तात्या टोपे का टोंक पर अधिकार भी रहा है। और राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का पाठ, कौन सा, राजस्थान संघ का पाठ था 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों में। और राजस्थान में एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दामोदर लाल व्यास को दिया जाता है, दामोदर लाल व्यास को। और दामोदर लाल व्यास भी कहां के थे, तो मालपुरा टोंक के थे। दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये चीजें आपको बताई है। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। कौन सा हो गया, हिस्टोरिकल। देखिएगा, अब आपने देखा तो देखिए मैंने सारी चीजें बता दी। पहला आपका ज्योग्राफिकल स्थिति बताई, नदियां मिट्टी वगैरह सारी चीजें यहां की बता दी। और यहां पर आपका कौन सा, नदियों के बारे में पूरा बता दिया, बाद में बांध बता दिया, आर्थिक परिदृश्य बताया और ऐतिहासिक परिदृश्य बताया। आज मैं वो कल्चरल एक्टिविटी जिसकी नहीं लास्ट का, वो कल आपको बताऊंगा, लेकिन मैं वैसे आपको समझा देता हूं कल्चरल में कौन कौन आता है। तो देखिएगा, वैसे समझा देता हूं बोर्ड पे।
देखिए सांस्कृतिक परिदृश्य एक बार आपको याद दिला दूं जिससे सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन तो व्यक्ति हैं, कौन कौन क्या हैं, तो देखिए यहां पर चारवेद गायकी है, गायकी टोंक में चारवेद गायकी के बाद पटियाला अल्लादिया खान है, ख्याल गायकी के जनक हैं, ठीक है। इसके अलावा संत धन्ना, धुवन भुवन गांव, पिपा की गुफा, अरबी फारसी शोध संस्थान, इसके अलावा डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, इसके अलावा हाथी बाटा, सुनहरी कोठी, आगे कौन टोंक से जुड़े वनस्थली विद्यापीठ, कपूरचंद कुलिश, नागरचोल बोली, चलो अब आप आ जाइए। तो ये पूरा का पूरा वैसे बता दिया आपको, देखिए सांस्कृतिक, हालांकि आज मैं लिख के नहीं लाया उसको, वैसे बता दिया लेकिन कल बता दूंगा उसमें भी। तो देखिए टोंक की एक तो चारवेद गायकी फेमस है, चारवेद गायकी जो मुस्लिम गायकी है, और चारवेद गायकी टोंक की फेमस है, चारवेद गायकी तो चारवेद गायकी टोंक की फेमस है। अल्लादिया खां जो मुस्लिम ख्याल गायकी के जनक हैं, ख्याल गायकी के क्या हैं जनक, ये टोंके थे, और इनका जो घराना है मतलब जो संगीतकार घराना है वो पटियाला घराना है, कौन सा पटियाला घराना है, ठीक है। और रामानंद के जो शिष्य थे, रामानंद के शिष्य प्रसिद्ध शिष्य थे, खास शिष्य थे, वो संत धन्ना थे, तो संत धन्ना धुवन गांव टोंके थे, संत धन्ना धुवन गांव कहा के थे, टोंके थे, और संत धन्ना को रामानंद ने आपका वाराणसी बुला लिया था, समझ गए। और ये इन्होंने भगवान को अठात भोजन करवाया, और इनको फसलों में कीट लगता है ना तब इनकी पूजा होती है संत धन्ना, संत धन्ना। अब देखिए संत धन्ना रामानंद का राजस्थान में प्रिय शिष्य था, निर्गुण था, और संत पीपा की गुफा भी आपकी कहां पर है, टोडा टोंक में क्यों है वो आप देखिए, रामानंद का खास शिष्य जो था संत धन्ना, और रामानंद का शिष्य कौन था पीपा, तो राजस्थान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन हो गया, धन्ना हो गया, तो धन्ना से मिलने कौन आ रहा है, पीपा आ रहा है, तो पीपा आ रहा, तो उसकी जो गुफा है वो टोडा टोंक में है, कौन सी टोडा टोंक में, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिए, एक सारी बात आ गई। अरबी फारसी शोध संस्थान आपका कहां पर है, टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है
वो आपका कहां पर है? टोंक में, मालपुरा टोंक में। हाथीबाटा एक स्थान है, तो हाथीबाटा फेमस है। सुनहरी टोंक में ही हाथीबाटा, और सुनहरी कोठी राजस्थान में, सुनहरी कोठी कहां की है? टोंक की, टोंक की, ठीक है। तो ये, और यहां की जो बोली बोली जाती है, बोलो तो, बोली बोली जाती है वो नागरचोल। कौन सी? नागरचोल बोली बोली जाती है। कौन सी? नागरचोल। और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में है, जो इंडिया की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था है और जिससे रत्ना शास्त्री वगैरह जुड़े हुए हैं। और कपूरचंद कुलिस जो है वो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक हैं, वो भी कहां से संबंध रखते हैं? तो टोंक से संबंध रखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने सांस्कृतिक और इनके जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको टोंक के बारे में बताया। तो टोंक को आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टोंक के बारे में बात आ गई। अरबी फारसी शोध संस्थान डिगी कल्याण जी, हाथीबाटा, सुनहरी विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में, जो पंचमुखी शिक्षा के लिए फेमस है, और रत्ना शास्त्री जी ने इसको स्थापित किया था। तो यह पूरी की पूरी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात आती है। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का मैंने आज उस नोट्स में ना बताकर ऐसे बता दिया। तो राजस्थान में बोलो, चारबेत गायकी कहां की है? टोंक की। अल्लादिया खां कौन सी गायकी का जन है? तो ख्याल गायकी का, पटियाला घराना है। संत धन्ना धुवन गांव टोंक के थे, रामानंद के प्रिय शिष्य थे। और संत पीपा की समाधि आपके टोडा टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा कहां पर लगता है? टोंक में। हाथीबाटा पर्यटन स्थल कहां पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी जो आपका अपना हवेली महल के परिप्रेक्ष्य में गिरी जाती है, तो कहां पर है? टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ आपकी निवाई टोंक में है, जो बेसिकली पंचमुखी शिक्षा और रत्ना शास्त्री इसकी संस्थापक है, काफी फेमस है। और सबसे राजस्थान का सबसे पुराना महिला उच्च शिक्षण संस्थान है। और कपूरचंद कुलिस जो है वो आपके क्या है? राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है, वो भी कहां के हैं? टोंक के। और नागरचोल बोली बोली जाती है, वो कहां पर बोली जाती है? टोंक में। तो ये दोस्तों मैंने साथ में और बता दिया। अब आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो। अब मैं आज आपको अजमेर जो संभाग है उसके दो पार्ट हमने बता दिए, एक आपको भीलवाड़ा बता दिया और एक आपको टोंक बता दिया। भीलवाड़ा और कौन सा बता दिया? टोंक। कल हमारा मतलब इसमें नागौर है एक, और एक कौन सा? अजमेर है। तो नागौर और अजमेर में से एक अपन कल बात करेंगे। अब दोस्तों किसी भी प्रकार की बात करनी हो आपको तो मेरे से पूछ सकते हैं। और अब आप स्क्रीन पर आ जाइए, क्योंकि मेरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब कोई भी प्रकार की बात पूछना चाहें आप, कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, तो वो पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपसे सदैव रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं मेरी मेहनत के साथ आपके साथ आ रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं। तो मैं रोजाना आपको बताया कि कर्मणे व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। कर्म पर ही मेरा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना सा फेवर चाहता हूं कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके साथ काम कर रहा हूं, तो उसका कम से कम व्यूज और लाइक जो है और जो शेयर है वो तो कम से कम बढ़ाइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे कि भाई कम से कम लोग देखते तो हैं, नहीं तो देखेंगे नहीं, तो फिर मैं कैसे बना पाऊंगा। तो ये चीज आपकी, तो ये आप जरूर करें। सर, लावा रियासत पहले जयपुर में आता था क्या? हाँ बिल्कुल, अब टोंक में, पहले जयपुर रियासत में। सुमन बेरवा, आज का लाइव 70 अबो थे सर की मेहनत के आगे से आगे शेयर करें। बिल्कुल मेहनत बिल्कुल करें आगे। चंद्र प्रकाश खिंची धन्यवाद, बबलू मीना धन्यवाद, राहुल रीट का मॉडल पेपर चालू कर दो। मॉडल पेपर चालू कहां से कर दें? रीट के जब 15 पेपर थे वो पूरे कर दिए, अब क्या थोड़ा सा 17 तारीख है ना, उसके बाद थोड़ा सा उसको वापस करेंगे, मॉडल पेपर कर देंगे आपके। किरण चौधरी थैंक यू, भक्तराज थैंक यू, त्रान फरान आदिल कंप्लीट, रीट के समीक्षा एक बार शुरू कर रहे हैं। सुमन मौर्या सर, क्लास रोज होगी क्या? रोज ही होती है मौर्या। रचना रावत शानदार थैंक यू, फरहान अली आदिल थैंक यू, महेंद्र सैनी थैंक यू, भाई जी बन्ने सिंह गुरु जी राम 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 जियारा पिशिता क्या? चारबेत गायकी क्या है? मुस्लिम गायकी है या संगीत का पार्ट है? आर के कुमार सर, एक क्लास बागोर मांडिया और आहड़ सभ्यता पर एक क्लास करवा दो, स्ट्रीम में दे रखी है बेप में, बेकायदा कॉलेज वाली में। दिनेश शुक्ला थैंक यू, सुनहरी कोठी धौलपुर में भी है, अब होगी मैं ये नहीं कह रहा, परंतु सुनहरी कोठी यहाँ की फेमस है। कृष्णा शेर भी, गीता वर्मा सर, रीट की टेस्ट सीरीज की समीक्षा स्टार्ट करो। बिल्कुल बता रहा हूँ, संडे को SST की कर दूंगा और बाकी टीचर उपलब्ध नहीं है,
क्योंकि सब चले गए, बाकी टीचर उपलब्ध नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, मैं SST की समीक्षा कर दूंगा। राहुल ओके, थैंक यू। रेखा अवस्थी थैंक यू। सरिता मिटावा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा नवारिया थैंक यू। दीपिका बाकोलिया थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र कुमार मीना थैंक यू। रमेश कुमार सॉय जी आपका ग्रेट, थैंक यू। देवड़ा जी श्री स्टडी पॉइंट थैंक यू। आर के कुमार तो ओके सर थैंक यू। अभय कुमार थैंक यू। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा गुजरे, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।